हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। आज हम वीकेंड पे यहाँ आए हैं बेकर स्ट्रीट पे, शेरलॉक होम, पूरा शेरलॉक होम का स्टैचू। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए, अच्छे ब्रेकफास्ट से, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो हम द मेट्रोपॉलिटन बार में गए, वेदरस्पून जाएंगे, वेदरस्पून है। और काफी ट्रैफिक है, काफी भीड़ है आज, बहुत ज्यादा हैपनिंग लग रहा है लंदन सैटरडे को, कुछ ज्यादा ही रश है। तो चलते अब हम ब्रेकफास्ट करने चले। चलो चलो, आज सैटरडे है और हम वीकेंड पे बाहर आए हैं। अभी डे का स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना एक हेल्दी यमी ब्रेकफास्ट से। तो हम यहाँ पे एक यूके में ब्रिटिश ब्रेकफास्ट काफी फेमस है, तो ये पब में आए हैं हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने। तो दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा। और आज हम काफ़ी अलग अलग एरिया में जाएंगे, तो वो जर्नी आपको दिखाते हैं। ये है रेस्टोरेंट, इसके यहाँ पे कुछ बेकर स्ट्रीट, हम बेकर स्ट्रीट पे आए हैं, तो उसके यहाँ पे शेरलॉक होम्स से घर आए हैं। हाँ, शेरलॉक होम्स के नेबरहुड में है। और अभी हम इस साइड बैठे हैं क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। वहाँ पे क्रिसमस कैरल लिखा है पूरा। ओ अच्छा, पास आके दिखाओ, क्रिसमस कैरल पूरा लिखा है चार्ल्स डिकेंस से। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है इधर। और इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल सी, ये वो शेरलॉक होम्स बना हुआ है, शेरलॉक होम्स बना है और लिखा हुआ है उसे पूरा, द हाउंड ऑफ द बास्टर्ड ब्रिज। काफी हैपनिंग हुआ है आज, पता नहीं सुबह सुबह इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा शोर, और लग रहा है कोई मैच वगैरह है फुटबॉल का, तो लोग आए हुए सुबह सुबह अपना रिचार्ज हो रहे हैं। तो अब हमारा ये ब्रेकफास्ट आ गया है, बहुत वेट था, फाइनली आ गया। और अब खाना शुरू, टूट पड़ते हैं इससे, बस खाना शुरू करते हैं जल्दी से। ये है इंग्लिश ब्रेकफास्ट जिसमें है बेक्ड बीन्स, ग्रिल्ड टोमेटोज, ग्रिल्ड मशरूम, टोस्ट, हैश ब्राउन, वीगन सॉसेज और ये बटर ऑमलेट स्प्रेड। मैंने सब कुछ वीगन लिया। और ये देखो, ये पॉरेज और हनी हनी और नितिश का भी सेम ही है बस, ये फ्राइड एग एक्स्ट्रा बस, और नंबर एक एक्स्ट्रा है, एक सॉसेज एक्स्ट्रा। वो तो ठीक है। तो नितिश को बहुत ही पेट था आज इंग्लिश ब्रेकफास्ट का, तो अब हम खाते हैं और फिर आपको और आगे घुमाएंगे। सो अब हम घूमते फिरते यहाँ आ गए। ये एक छोटा सा एलीवे है, यहाँ पे देखो क्रिसमस की डेकोरेशंस भी हो गई हैं ऑलरेडी, और ऐसा लग रहा है ये। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे से कुछ स्टोर्स हैं। अब हम और घूमेंगे कहीं, देखते हैं कहाँ कहाँ डेकोरेशन हो गई है। हर जगह हो रही है डेकोरेशन, हर जगह हो गई। ठीक है, चलें फिर। विंटर इज हियर, क्रिसमस इज हियर। अच्छी लग रही है ये बॉल्स लगा दी, और लाइट्स तो अभी ऑन नहीं हुई। और ये कोई बहुत ही प्रिटी सा रेस्टोरेंट है, इसके अंदर हम देख रहे थे, ये काफी सुंदर लग रहा था हमें। हाँ, इसमें गए नहीं हम अभी, पर हमें एक नई जगह मिल गई। और इधर भी है कि इस पे पूरे शैंडलियर्स लगे हुए हैं, तो ये भी सुंदर लग रहा है। ये एक हिडन स्पॉट है वैसे, ये हले। ये देखो गाइस, कितने क्रिएटिव है ये लोग, ये क्रिसमस के लिए विंडोज को ड्रेसअप करना शुरू कर दिया है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। और ये एक और विंडो ड्रेसअप की हुई, और हमारे पीछे बर्बरी पे भी कुछ होने वाला है ग्रैंड। तो यस, समथिंग इज कमिंग सून। तो लुई वीटों पे भी उन्होंने कर दिया है पूरा, पर इनका अभी तक तो बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। लाइट्स भी लग चुकी हैं अगर आपको दिख रही हो, पर ऑन। हाँ, ये मोर पंख लग रहे हैं ऑन, ये थोड़ी देर में होंगी। इधर भी अभी कुछ नहीं हुआ,
इधर सब लोग अपनी कार्स पार्क कर देते हैं, तो गुस्सा आता है कि इतने अच्छे शोरूम्स हैं इधर और उनके सामने ये लोग पार्किंग क्यों कर देते हैं आके। वो कार भी लगाए हुए उन्होंने, कुछ लटकाए हुए देखे। और ये इसका प्रमोशन रिसेंटली ही प्रियंका चोपड़ा ने किया था इस ब्रांड का, कुछ इवेंट पे वो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन हो चुकी है, बट सैडली यहाँ पे ये ट्रक्स भी पार्कड हैं तो हम इतना अच्छा से देख नहीं पाएंगे। एज यूजुअल कार्टियर के स्टोर पे ये पूरा गिफ्ट रैप करते हैं इसे लास्ट ईयर का, अगर सेटअप हो रहा है ना कार्टियर का, कार्टियर कर रहे हैं ये अपना दिखाने। ओ ये वाला पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। और यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी लग गया, ये देखो पूरा लगा रहे हैं अभी, ये देखो ये पूरा डेकअप कर रहे हैं इसको, वही गिफ्ट रैप बनाएंगे पूरा। हाँ। लास्ट ईयर की तरह ही। और ये क्रिसमस ट्री एक इस स्क्वायर पे लगा दिया। और ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद है जो इसके पीछे है। अच्छा वहाँ भी लग रहा है अभी सब कुछ डेकोरेट हो रहा है, तो अगले वीकेंड तक में भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे एक ये हॉर्स होता है, कितना अच्छा लग रहा है ये Tiffany and Company का स्टोर। ये तो अभी दिन का है तो इतना अच्छे से लाइट्स वगैरह दिखती नहीं है, तो इसका रात को फिर से करेंगे ताकि लाइट्स और अच्छे से दिखे पूरा जब डेकोरेट हो जाएगा फिर से। वो देखो ऊपर भी क्रिसमस ही लगे हैं छोटे छोटे ऊपर। और ये हम घूमते घूमते नेशनल गैलरी के सामने आ गए, यहाँ पे काफी लंबी क्यू लगी हुई है। और इधर देखो इवन ब्लू फोन बूथ भी हैं। ये देखो ये बिल्डिंग इस पे लगा हुआ है ब्लू सा पैम्फलेट था, उसमें लिखा हुआ है द बीटल्स, यहाँ पे बीटल्स ने लास्ट परफॉर्मेंस दी थी इस बिल्डिंग के रूफ पे, तो इसलिए इन्होंने पूरा मार्क करने के लिए वो लगा रखा है। लास्ट परफॉर्मेंस बीटल्स की यहाँ हुई थी जनवरी 1969 को। और अभी ये रोड काफी फेमस है, मेफेयर का एरिया है। और यहाँ पे ही अगर आप लोगों ने किंग्समैन मूवी देखी है तो जो किंग्समैन में आइकॉनिक टेलर है जो सीक्रेट सर्विस के सूट्स वगैरह बनाता है वो यहीं पे है, तो उधर लेके चलते हैं अभी। हाँ ये देखो मेरी आज की राइड है ये। हाँ ये मेरी पर्सनल राइड है आज की, और इसका देखो साइलेंसर साइड में है। ये मेरे को लगा ही था मॉर्गन मोटर्स की है ये कार, एक कंपटीशन था उसमें मैंने भी डिजाइन करी थी इनके लिए कार ट्राई करने के लिए, मैं कंपटीशन नहीं जीता बट मैंने ट्राई की थी तो कार डिजाइन करी थी ऐसी, एक ऑनलाइन था वो पूरा उनका मॉर्गन मोटर्स, तो वही कार है, बहुत अच्छी कार है ये। ओ इसकी गियर देखो रिफ्लेक्शन आ रहा है, दिखेगा नहीं। और हम क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे और कहाँ आया, ये पूरा एक आइकॉनिक स्ट्रीट है मेफेयर की, और यहाँ पे जितने देखो हाई एंड सूट्स ब्रांड्स वगैरह, तो मोस्ट लाइकली सेलिब्रिटीज यहीं से अपने सूट्स लेते होंगे। और जो एक चीज दिखाने के लिए हम लाए थे यहाँ पे वो थोड़ा सा आगे है, वो आगे आएगा अभी यहाँ पे, जो अगर आप लोगों ने किंग्समैन मूवी देखी है, नहीं देखी तो डू वॉच इट, उसकी नई आने वाली है दिसंबर में, 22 दिसंबर को आ रही है नई, और मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद है। और ये वो स्टोर है हंट्समैन जो जिससे इंस्पायर हुआ है, तो ये वो शोर है ऊपर। तो ये एक बार हम ढूंढते ढूंढते उस मूवी को ढूंढते ढूंढते 3-4 साल पहले हम यहाँ पे आके ढूंढा था ये, वृंदा को पहली बार लाया हूँ बट मैंने देखा हुआ है तो काफी अच्छा लगता है। किंग्समैन लिखा हुआ, किंग्समैन एस्टेब्लिश 1849, तो ये स्टोर है जो जिस पे पूरा वो बेस्ड है। बाय अपॉइंटमेंट ये देखो उसमें लिखा हुआ है बाय अपॉइंटमेंट, यहाँ पे एक फिजिशियन है, हाँ रिचर्ड ब्राइट, रिचर्ड ब्राइट 1789 to 1850 फिजिशियन लिव्ड हियर।
और ये है बाय अपॉइंटमेंट टू एचआरएच प्रिंस बर्नहर्ड ऑफ नीदरलैंड्स। ये क्या लिखा, 1857, एट गिर गया शायद। तो ये हंट्समैन है मेन यहाँ पे। आज रिमेम्बरेंस डे है यहाँ पे, तो उसी के चक्कर में अगर ये पॉपी फ्लावर्स बोलते हैं ना इन्हें, हाँ, तो वो रखे हुए हैं हर जगह। तो हाँ, ये पूरी स्ट्रीट पे ऐसे ही स्टोर्स है, काफी सारे लाइन में स्टोर्स है, पूरे मेफेयर का एरिया जो है ये। तो थोड़ा आगे चलें अब, और ये एक और फेमस स्टोर है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है बाय अपॉइंटमेंट टू हर मेजेस्टी द क्वीन लाइब्रेरी एंड मिलिट्री टेलर्स। तो यहाँ से आई थिंक सारे रॉयल्स बनवाते हैं अपने सूट्स वगैरह इस शॉप से। ये सेम ही रोड पे शॉप है, सिविल रो पे, मेफेयर में। तो मेफेयर का एरिया, सारे जितने हाई एंड होते हैं वो सारे स्टोर्स वगैरह यहीं होते हैं इसी एरिया में मेन। घर की तरफ निकल गए थे, बट हमें ये वाला एक मिला है रेस्टोरेंट कैफे, जो मेरे को बहुत टाइम से ट्राई करना था। नाम बताओ इसका क्या है? फ्लावर बर्गर। हाँ, फ्लावर बर्गर इसका नाम है। ये फुल वीगन है, कंप्लीट वीगन, और इसका मेन्यू काफी अच्छा है। अभी तो वहां जाके दिखाना है, इसका मेन्यू काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, और हम दिखाएंगे हमने क्या ऑर्डर किया है। ये दो लेमोनेड्स हमने किए हैं, नॉर्मल लेमोनेड्स और रोज लेमोनेड, और बाकी मेन्यू भी काफी अच्छा होगा, जो खाना आएगा काफी अच्छा है वो, तो वो दिखाएंगे बाद में क्या है। जैसा मैं कह रहा था, काफी इंटरेस्टिंग मेन्यू है इनकी। फ्लावर मील है, जिसमें आप अपनी साइड सेलेक्ट कर लो, ड्रिंक कर लो, और बर्गर के नाम ही आप देखो, जंगल बर्गर, टेंगी चिकपी, चेरी, और ये देखो, लेट्स मेक लव इन अ गार्डन लाइक अ कपल ऑफ वेजिटेबल। वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी वाइब्रेंट है और लाइवली लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये ड्रिंक्स रखी हुई हैं, ग्लास, मिरर, और ये वृंदा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी खाने की जगह हो तो मुझे अच्छी लगती है। वृंदा से मेन पूछना है कि उसे कैसा लगा आज का खाना, और चलते हैं वृंदा के पास ही अब। सो हमारा खाना आ गया है, एक है ग्रीन बर्गर और एक है पर्पल। पर्पल वाला बीट रूट की वजह से है, और ग्रीन का उन्होंने बताया कि कुछ एल्गे यूज़ करके उन्होंने इसको कलर दिया है, और लेआउट भी काफ़ी अच्छे से किया है, बस एक पेपर के ऊपर, और पैक पूरा कर दिया है टूथपिक्स की वजह से। और ये प्लांट बेस्ड बर्गर है, तो इसमें कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, पूरा वीगन है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, हमें यहाँ के ओनर ने बोला कि आप नीचे चले जाओ, वहाँ पे स्विंग्स भी है। तो फिर ये देखो, यहाँ पे स्विंग भी है, और अभी क्योंकि ये पूरा खाली है, तो इन्होंने हमें बोल दिया कि यहाँ आके देखो। पर हमें ये बड़ी मज़ेदार जगह लगी, और इतना ज़्यादा मेहनत की है ना इन्होंने हर एक कॉर्नर पे, और कुछ अर्थ के लिए ही स्पेसिफिकली। ये देखो, लव कलरफुल फूड, आई एम योर ब्रो, ब्रोकली पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो नितिश को भी अच्छा लगा, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव। काफी सुंदर है, ये क्रिएटिव है, मतलब बहुत यूनिक उन्होंने सोचा है। सो गाइज, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टूडेज व्लॉग। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना इस व्लॉग को, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट भी देख पाओ, और साथ में जो हम एडवेंचर्स करते हैं लंदन में, या इवेंचुअली हम लंदन के बाहर भी जाएंगे, तो वो सब भी देख पाओ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे, हमारे लाइक्स वगैरह ठीक है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, पर इतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर करो हमारे कंटेंट को, अगर आपको लगता है कोई लंदन से रिलेटेड या यूके से रिलेटेड ब्लॉग्स देखना चाहेगा, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो उन्हें लिखना मत भूलना हमारे लिए कमेंट्स में, ताकि हम वैसी सी कुछ ब्लॉग्स और ला सकें। एंड आई होप आपको मज़ा आया हो आज के ब्लॉग में, जिसमें हमने आपको काफ़ी कुछ लंदन
का दिखाया, साथ में आपको वीगन फूड भी दिखाया। बाय।